वो देख क्या माल आ रहा है यार। अबे इसे माल नहीं आइटम बॉम्ब कहते हैं, तू पागल है क्या? तुम दोनों में से मेरा बॉयफ्रेंड कौन बनेगा? भाई 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 मैं बनूंगा बॉयफ्रेंड तो यार। भाई पागल है क्या? कैसे बड़ा मैं हूं ना, उसका बॉयफ्रेंड मैं बनूंगा भाई यार। अरे ये सब छोड़, चल उसको पीछा करते हैं पहले। अरे मैडम अब आंखों से ही पीछे पीछे भगाओगी, अपना चेहरा भी दिखाओगी। इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो करो। तो यहाँ तेरे को ये सब करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? अबे क्या बोल रहा है तू इसे? अबे माल है, पागल हो गया क्या तू? पागल है क्या? बहन है वो मेरी। भैया आपको शर्म आनी चाहिए, जैसी आपने हरकत की है ना वो बहुत गंदी है। अरे बहन तू जैसा समझ रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं गलत समझ रही हूँ? बस करो भैया, कितना झूठ बोलोगे आप। कल आपने जिस लड़की को छेड़ा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड आंचल है। अरे कितनी शरीफ लड़की है वो, आपकी वजह से ना वो बेचारी डिप्रेशन में चले गई है, वो घर से बाहर नहीं निकल रही है। आइटम है भाई आइटम। आप लोग तो लड़कियों के साथ मजाक करके अपने घर चले जाते हो, लेकिन जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना उनके बारे में कभी सोचा है कि उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, और भैया मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले, और इसके जिम्मेदार ना सिर्फ आप होंगे। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे भाई होकर ऐसी घटिया हरकत कर सकते हो। वो बात तो सची है, जैसी संगत वैसी रंगत। बहन मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये तो आप बिल्कुल मत सोचना कि आप बच जाओगे, ये बात ना मैं मम्मी पापा को जरूर बताऊंगी, और अभी मैं जा रही हूँ आपकी पुलिस कंप्लेंट करने। नहीं नहीं बहन प्लीज देख ऐसा मत करियो, अगर मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। बस करो भैया, अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया ना तो लड़के ऐसे ही लड़कियों को छेड़ते रहेंगे, न जाने कौन किसकी बहन है कौन किसका भाई है। मैं जा रही हूँ आपकी पुलिस कंप्लेन करने। अरे यार आज हमसे क्या हो गया यार, भाई मुझे माफ कर दे यार। यार अगर घर पे मम्मी पापा को पता चलेगा तो आज तो मैं गया भाई, मैं नहीं बचूंगा आज।